हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ आवर बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि चल रहा है बच्चों आपके फेवरेट चैनल पर दैट इज अनअकेडमी नीट अन अकेडमी नीट आपको आप जानते हैं इसके बारे में दैट वी आर वी आर टोटली कमिटेड टू योर ड्रीम है ना आपका ड्रीम है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना एंड हमारी पूरी टीम इसी ड्रीम की तरफ दिन रात मेहनत कर रही है द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द सपोर्ट फ्रॉम योर साइड आप रेगुलर रहिए अपने सेशंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए होमवर्क करिए एंड डेफिनेटली बच्चों जैसे पिछले साल बच्चों ने अन्य अकेडमी की मदद से इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं अगले साल बच्चों आपकी टर्न है आप उनसे भी बेटर परफॉर्म करने वाले हैं यस और आज हम बच्चे थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द दैट सेशन जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के आप जानते हैं इस यूनिट में से

NCERT देखकर देख कर आए विच क्लास टॉपिक इज इट बायोटेक्नोलॉजी बच्चे क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है तो ये सेशन ट्वेल्थ वालों को तो देखना ही देखना है ये सेशन हमारे ड्रॉपर बैच वाले भी जरूर देखेंगे और हाँ इलेवेंथ वाले भी देख लीजिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर एक्स्ट्रा सीख जाएंगे ठीक है चलिए चलिए एवरी सो वी हैव अनुष्का उस्मान शिवानशु जो जो बच्चे पढ़ाई करके आए हैं फटाफट से जिसमें पूरा जोश भरा हुआ है मुझे लाइक्स चाहिए किस पे चैट सेक्शन में और बच्चे आपके सेशन पर क्यों ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फिल्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी क्योंकि जब भी हमारा डीपीपी वाला कोई भी सेशन होता है या फिर क्विज टाइप कोई सेशन होता है आप लोगों का जोश बच्चे सबसे हाई होता है तो दिखा दीजिए सब बच्चे अपना जोश कम ऑन गाइस कम ऑन गुड इवनिंग जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता दूं बच्चों माय नेम इज़ सीप पाहजा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑन एन अकेडमी नीट है ना आप मुझे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर लीजिए वहां पर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगी आज रात को बच्चे नौ बजे मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डिफिकल्ट टॉपिक जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स आज रात को नौ बजे बच्चों स्टार्ट करेंगे तो वो भी मिस नहीं करेंगे वहां जाके जरूर फॉलो कर लें तभी नोटिफिकेशन आएगी टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर हमारा चैनल है अनकैडमी नीट का ब्राउजर में जाइए देन डालिए इस लिंक को लाइव डेली डॉट मी स्लैश चैट जैसे इस लिंक को डालेंगे चैनल आ जाएगा चैनल को आप सबको क्या कर लेना है ज्वाइन कर लेना अभी कि अभी भी कर सकते हो येस आप साइड बाय साइड इसको ज्वाइन कर लीजिए ठीक है एंड देन बच्चे पी डी एफ्स के लिए वेर यू कैन गो यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई ओन सेशन ओनली सेशन लेने के कुछ देर बाद पी डी एफ क्या हो जाती है यहाँ पर अपलोड हो जाती है ठीक है सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज क्या है आज क्या है टुडे इज़ ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर है ना ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर मैंने आपको बताया है कि आज के दिन सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस क्या होने थे बढ़ने थे है ना आज शाम को 6 बजे तक मतलब इज इज स्टिल आवर आवर लेफ्ट फॉर द ओल्ड सब्सक्रिप्शन प्राइसेस अभी भी आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली बच्चों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसको भी आपने कन्विंस करना हो अपने पेरेंट्स को गार्जियन को कर सकते हैं बिकॉज सब्सक्रिप्शन में आपको हमारे प्रॉपर बैचेस मिल जाएंगे मेरा इलेवेंथ का बैच भी चल रहा है ट्वेल्थ का भी चल रहा है ड्रॉपर बैच भी आपको वहां पर मिल जाएगा एंड यू फाइंड लाइक माइंडेड स्टूडेंट इन पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोई बातें करने वाला बच्चा नहीं मिलता है एंड वॉट नॉट अगर आप आईकॉनिक में जाते हैं तो आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है ठीक तो है आपके प्राइजेज तो अगर आप एक घंटे में लेने वाले हैं तो कौन सा लें फटाफट से जाके वन ईयर और टू ईयर वाला ठीक है वन ईयर और टू ईयर का प्राइस इस वक्त सबसे कम है ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे सीप लाइव ठीक है जिससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है टेन परसेंट ऑफ सबसे इजी है याद करना मैम का नाम है सीप और आगे क्या लगा देना है लाइव आपने और ये कोड यूज करने से ना आपको सबके लेक्चर्स दिखते हैं तो ये जो कोड है दैट इज फॉर द सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर द सब्जेक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी क्लास दिखेगी सब टीचर्स की क्लास दिखेगी इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑफ ऑल द टीचर्स ऑन नीट यू जी कैटेगरी ठीक है बच्चों सो लास्ट वन आर फॉर दीज प्राइसेज आफ्टर सिक्स पी एम द प्राइसेज दे आर गोइंग टू इंक्रीज तो फिर से मैं रिमाइंड करा दूं अगर आपको लेना है अगर आप 2021 2022 के एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल देरी मत कीजिए एंड आइकॉनिक के भी बच्चों लास्ट वन आर टू गो फॉर दीज प्राइसेस एक घंटे बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं सेम दैट इज सीप लाइफ जो कि क्या ऑफर करेगा आपको क्या ऑफर करेगा एक तो सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स और बच्चे टेन एडिशनल ऑफ ठीक है चलिए Let us start with our session. Most expected question for NEET 2021 Biotechnology. Henji, start कर दें। तैयार हैं? तैयार हैं सब बच्चे? दिखा दो एक बारी कि बच्चे तैयार हैं। Yes, ma'am, we are ready. Come on, guys, write. We are ready. मैम के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं बिल्कुल तैयार हैं फॉर दिस अमेजिंग सेशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी वन बाय वन क्वेश्चंस आएंगे आई विल लुक फॉर आंसर्स इन द चैट सेक्शन आई विल सी कि कौन बच्चा सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर देता है चीटिंग नहीं करनी है अपने माइंड से सोच के आंसर देना है नो no डाउट अगर एक बच्चा आंसर दे देता है तो ऐसे यू you नो know, सब बच्चे चीटिंग कर करके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट बट आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए तभी आप अपने आप को जज कर पाएंगे अदरवाइज अदरवाइज ऐसे सेशन का कोई बेनिफिट आप मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे अगर आपने खुद को ही नहीं किया सो ट्राई ट्राई टू गिव आंसर ऑन योर ओन एंड मिनिमाइज द चीटिंग ठीक है चलिए स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होता है प्लास्टिड प्लाजमेट कोडोन और नन जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने जेनेटिक्स में नहीं पढ़ी है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने पढ़ी है बायोटेक में बायोटेक्नोलॉजी में तो बायोटेक में अगर मैं इनडायरेक्टली पूछूं तो बायोटेक में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है प्लास्टेड प्लाज्मेट कोडॉन और नन बता दीजिए मेरे बच्चों हाँ जी बता दिया रेडी क्या बात है सबसे पहला जो आंसर मुझे मिला है वो मिला है ओके okay. आई हैव गॉट करेक्ट आंसर फ्रॉम मिस्टर सीक्रेट ने दिया लेकिन गलत दिया है लेकिन गलत दिया है तो सबसे पहला करेक्ट दिया है चिन्मय ने चिनमे इज अ वन विद द करेक्ट आंसर एंड ही मैनेज टू गिव मी आंसर द फास्टेस्ट मोड सो करेक्ट आंसर क्या था आपका प्लाजमेट प्लास्टिक नहीं होता बच्चे प्लांट्स की बातों ने लग गई कोडोन भी नहीं होगा यहां पर बच्चे हम किस को यूज कर रहे हैं प्लाजमेट को यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर इन आवर जीन क्लोनिंग प्रोसेस इन आवर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस राइट एप्सोल्यूटली राइट सो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्लस फोर करते जाइए क्या करना है ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठो जितने क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन के लिए प्लस फोर आप खुद से कीजिए मैंने बताया ऑनलाइन में सबसे जरूरी क्या चीज है आपकी खुद की डेडिकेशन आपकी खुद की ऑनेस्टी आपकी खुद की सिंसेरिटी सो तो जो जो आप ठीक आंसर दे रहे हैं प्लस फोर लगाइए अगर आप गलत दे रहे हैं तो माइनस वन नहीं दे रहे हैं पास कर रहे हैं तो जीरो लास्ट में मैं आप सबसे मार्क्स भी पूछूंगी आपके ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सिर्स कौन है पे केमिकल को काटने वाली कैंची कैंसर अबाव ऑल ऑफ दिच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सिर्स बताइए ठीक है कर लिए सबने प्लस फोर अब इसके बाद इसका आंसर बताइए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सिजर्स कौन सी क्लास है लेजेंड या सर आप कौन सी क्लास में हो नीट यूजी हमारी क्लास है हमारी कैटेगरी है अब क्लास व्लास नहीं है एवरीथिंग विल बी अंडर कैटेगरी कैटेगरी है नीट यूजी आपका एम है नीट यूजी तो अटेंड करिए इस क्लास को ठीक है एब्सोल्युटली राइट right. सबसे पहले देख लू मैं किसने दिया था सो फर्स्ट वन इज आशु आशु आरू इज वन करेक्ट केमिकल सीजर्स मतलब किसकी बात हो रही है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस है ना रेस्ट्रिक्शन एंडो हैं है मॉलिकुलरसिज बोल सकते हो केमिकल नाइव्स बोल सकते हो तो ये तीनों ही आपके एंजाइम हैं जो कट करते हैं सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी यस राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस फोर कर लो नेक्स्ट वन रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिज विच आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज अरे ये तो एजर्शन रीजन टाइप हो गया एजर्शन पहले बता दिए पिछले क्वेश्चन में रीजन आप यहाँ दे रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस दे आर यूज बिकॉज दे कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन्स दे केन ज्वाइंट फ्रैगमेंट्स दे केन कट डी एन एट वेरिएबल साइट और दे केन कट डी एन एट अ स्पेसिफिक बेस सिक्वेंस फॉलो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्स को क्यों यूज किया जाता है क्यों यूज किया जाता है कुछ डिग्रेड कर देंगे कुछ ज्वाइन कर दें या फिर कुछ कट करते हैं कट करते हैं करेक्ट आंसर चाहिए करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक आशु इस बारी गलत आंसर है गलत है यस हु हैज गिवन द राइट आंसर वी हैव सुनील कुमार अंकिता जीत रुक्षार इन so, बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ध्यान से पढ़ना ये जो बच्चे सी दे रहे हैं ना उनकी मैं गलती बताऊं क्या है वो पढ़ते हैं आधी स्टेटमेंट नो डाउट रिस्ट्रिक्शन एंडो कट करते हैं किसको डीएनए को बट यहां तक पढ़ा इसके आगे हमने पढ़ने की जहमत ही नहीं करी है ना ये जो हड़बड़ी है आपके अंदर इसको टैकल करिए इससे फाइट करिए मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स कंप्लीटली बिफोर आंसरिंग बिफोर आंसरिंग सो रिस्ट्रिक्शन एंडो दे मेक कट ऑन द डीएनए फ्रैगमेंट बट नॉट एट वेरिएबल साइट ऐसे नहीं कि कहीं भी चले और काट दिया नो no. उनकी एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है दे विल कट डी एन एट अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी और उस बेस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं रिकोगनेशन साइट क्या बोला जाता है शन साइट सो दैट सीक्वेंस इज स्पेसिफिक हर इंजाइम के लिए अलग सीक्वेंस है ऐसे नहीं की कोई भी इंजाइम कहीं भी कट करतेगा सो दे आर हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस वॉज द राइट आंसर चलिए आगे चलते हैं द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज लोकेटेड इन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल प्लाजमेट विच इज कॉल्ड एज जो ट्यूमर इंड्यूसिंग केपेबिलिटी है एग्रो बैक्टीरियम की वो किस वजह से है आई प्लाज आर आई प्लाजमेट लैमडा फॉट और प्लाजमेट बी आर थ्री ट्वेंटी टू बी आर थ्री ट्वेंटी टू हांजी प्लस कर लिया प्लस कर लिया फोर प्लस कर लिया जिसका ठीक है माइनस वन भी जरूर करिए जो गलत दे रहे हैं ठीक है ओके okay, जी बिल्कुल फ्री क्लास है भरत दिस इज प्राइसलेस फ्री अनमोल है हमारी क्लास इसका कोई मोल नहीं है यूट्यूब क्लास का ठीक है ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी आंसर ना आपके स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में आंसर है क्या आंसर है यस yes, राम ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है दैट इजी आई प्लाजमेट ये देखो कई बार ऐसा होता है कि हम इतने लकी हो जाते हैं कि हमारा आंसर छुपा होता है क्वेश्चन के अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग शॉर्ट फॉर्म है ना टीआई आई जिसके पास होता है टी डी एन ए जिसको हम क्या कर देते हैं हैं कर देते और अपना जीन उसमें इंसर्ट करके प्लांट प्लांट सेल सेल को plant cell को बच्चे मॉडिफाई कर सकते हैं सो ए वॉज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे चलिए ये देखो अभी भी बहुत सारे बच्चे डी के साथ हैं मैं फिर से बोलूंगी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था इसका ठीक है नेक्स्ट थर्मल साइकिल टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोविंग टेक्निक थर्मल साइकिल जेल इलेक्ट्रोफोरसिस पीसीआर टेक्निकेशन और किस टेक्निक में होता है जेल इलेक्ट्रोफोर पीसीआर सेंट्रिफिकेशन और साउदिंग हां जी बताइए कमोन कमॉन ब्लैक थीम बदल दू क्यों आज हमारा ब्लैक थीम है ब्लैक इज द फेवरेट कलर ऑफ मेनी पीपल है ना क्लियर भी दिखता है इससे स्ट्रेन भी, भी नहीं डलता आँखों पे. भी नहीं डलता क्या से कौन सी टेक्निक है जिसमें हीट का बहुत मेजर रोल है टेम्परेचर का रोल है मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है साउथ ब्लॉटिंग में भी नहीं सेंट्रिफिकेशन में भी नहीं पीसीआर इज द वन बच्चे जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है डी नेचुरेशन में अलग एक्सटेंशन में अलग तो थर्मल साइकिल साइकिल चलते हैं उसमें है ना एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज होता है एंड बच्चे यहाँ पर हीट भी यूज होती है और इसकी मशीन को क्या बोला जाता है थर्मोसाइकलर तो यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया थर्मल साइकिल इनडायरेक्ट क्वेश्चन था आंसर क्या है बच्चों बी ठीक है खुशी चलिए आगे चलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन द प्रोसेस इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इनवॉल्व फास्ट पैसेज ऑफ फूड थ्रू सीव पोर्स इन फ्लोएम एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर ड्यूरिंग नाइट बाई आर्टिफिशल लाइट मेकिंग ट्रांजेंट पोर इन द सेल मेंब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कंस्ट्रक्ट और प्योरिफिकेशन ऑफ सेलीन वॉटर विद द हेल्प ऑफ मेंब्रेन सिस्टम वॉट इज द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन उसमें क्या होता है ये बताए बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप सारे आंसर ध्यान से पढ़ लेंगे सारे ध्यान से पढ़ लेंगे इसमें से सिर्फ एक ही आंसर बहुत बड़ा हिंट दे रही हूं मैं एक ही आंसर सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड है बाकी सब तो किसी और चैप्टर से रिलेटेड है बॉटनी चल रही है बाकियों में तो हां जी अब बताइए अब बताइए किसने दिया है किसने यस yes, परी चौधरी सोनम सम्राट अश्विनी प्रियंका बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी देखो पहले पहले स्टेटमेंट में क्या करें फ्लोएम की बात कर रहे हैं हमारे मतलब का नहीं स्टोमेटा की बात कर रहे हैं नो लास्ट में मेम्ब्रेन सिस्टम सेलिन वाटर की बात हो रही है नो no. इलेक्ट्रोपोरेशन बच्चे एक मेथड है ऑफ ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन अपने फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर इंसर्ट कराने का दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं जैसे हमारा हीट शॉक था जैसे हमारा माइक्रो इंजेक्शन था वैसे ही इलेक्ट्रोपोरेशन इज ऑल्सो अ मेथड जिसमें देर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द पोर्स आर क्रिएटेड इन द सेल मेमब्रेन विच विल अलाउ अस टू इंट्रोड्यूस जीन कॉन्स्ट्रक्ट इन टू द सेल ठीक है सी वॉज द राइट आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट वन फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस restriction प्रोड्यूस enzyme एंड इन end in DNA? कौन सा ब्लंट एंड बना रहा है आपको एंड सामने दिख रहे हैं बैम एच वन आप देख पा रहे हैं इसके और all इको आर वन एच of ऑल ऑफ blunt एंड दो तरीके के एंड्स होते थे ना दो तरीके के एंड्स होते थे ठीक है एक क्या होता था स्टिकी एंड्स है ना सेकेंड वन वॉज ब्लंट तो इनमें से कौन सा ब्लंट एंड बना रहा है ऑड वन आउट से भी आ जाएगा ऑड वन आउट से भी आ जाएगा ठीक है ऑड वन आउट से भी आ जाएगा कमन गाइज ब्लंट एंड वाला कौन सा इसमें चल रही है खूब फाइट ए जीतेगा बी जीतेगा या फिर सी जीतेगा क्योंकि सबके दावेदार हो गए ऑलमोस्ट बराबर कुछ बच्चे ए के साथ हैं कुछ बी के साथ है आपको बच्चे सिर्फ उन एरोज पे ध्यान देना है कि ये एरो कट कहाँ कर रहा है ब्लंट और स्टिकी सावन कुमार एंड हैव गिवन मी द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बच्चों सी ब्लंट एंड्स अगर बिल्कुल रिकग्नेशन साइट के सेंटर में कट हो जाए उसको हम बोलते हैं उसके बाद क्या बनते हैं हमारे पास ब्लंट एंड और अगर बच्चे सेंटर से थोड़ा सा हट के एजिस पर रिकोगशन साइट के कॉर्नर पे कट हो वहां से क्या बनते हैं बच्चों स्टिकी एंड स्टिकी एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सी वॉज द राइट आंसर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एन्जाइम इज़ यूज टू ज्वाइन डी एन ए फ्रैगमेंट्स कौन जोड़ेगा टर्मिनेस एंडोन्यूक्स लाइगेज और डी एन ए पॉलीमरेज ये सबका हंड्रेड परसेंट का ठीक होना चाहिए यहाँ पर मुझे ए के लिए बी के लिए अलग दावेदार नहीं चाहिए सब बच्चे एक ही के साथ होने चाहिए क्योंकि ये चीज़ आप जेनेटिक्स में भी करते हैं जो दो फ्रैगमेंट्स को जोड़ कर रखेगा हमारा ग्लू बच्चे ग्लू इन देंस दे आपका फेविकोल कौन है फेविकोल दो चीज़ों को जोड़ देगा ओके यस एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लाइगेज लाइगेज इज द राइट आंसर देखो सब बच्चे मुझे आंसर देते हैं सब बच्चे जो चैट सेक्शन में एक्टिव है सब आंसर देते हैं अब जिसका पिक हो जाता है उस टाइम पे मुझे दिखता है मैं उसी का नाम ले पाऊंगी सो डोंट फील बैड है आपका नाम भी आएगा जस्ट कीप ऑन गिविंग आंसर गिविंग करेक्ट आंसर्स एंड कीप ऑन एडिंग प्लस फोर ऑन योर नोटबुक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने आप को जज करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो प्लस फोर सब बच्चे करते जाए नो मैटर इफ योर नेम्स नेम कम्स और नॉट आई विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम ठीक है सो so ज्वाइन कौन करेगा लाइ सी वॉज द राइट आंसर एप

नया है तो सारे ऑप्शंस में है आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जब डेली पीएमटी होता था ना पहले सारे पीएमटी अलग अलग होते थे ऑल इंडिया पीएमटी अलग हर स्टेट का पीएमटी अलग पंजाब पीएमटी टी डेली पी एम टी सो उसमें बच्चे क्वेश्चन आ चुका है ये तो दिस मेक्स इट हाईली इंपॉर्टेंट राइट सो कौन सा होगा यू हैव टू टेल मी द ऑर्डर ऑर्डर बताएंगे एप्सोलूटली दिनेश आलोक अंसारी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी be नेचरेशन अनिल एंड एक्सटेंशन पहले जो दो स्ट्रैंड है इनको अलग कीजिए ठीक है अलग कर दिया फिर इनके साथ बच्चे अनिल करा देंगे हमारे छोटे छोटे प्राइमर्स को राइट देन पॉलीमरेज आएगा इन प्राइमर्स को क्या कर देगा एक्सटेंड कर देगा सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर जिस जिस बच्चे ने ए दिया है प्लस फोर टू एवरी वन आगे चलते हैं एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्राम सी वीड्स फाइंड यूज इन जो एग्रोव हमने निकाली है इट्स अ पॉलीसेक्राइड फ्रॉम सी वीड्स किस काम आएगी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टिशूकल्चर पी सी आर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे ईजी क्वेश्चन लेकिन हंड्रेड परसेंट करेक्ट चाहिए हंड्रेड परसेंट करेक्ट एग्रोज का यूज किस प्रोसेस में है कल्चर में पीसीआर में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में है या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में है ओके, राइट करेक्ट आंसर दिया है प्रनोती फटाफट से आ जाइए आंसर दीजिए मुझे आंसर दीजिए वी हैव सुनील अर्पिता उस्मान विद द राइट आंसर दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरिस और भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं ब्रावो टू एवरी वन जो सही आंसर दे रहे हैं प्लस फोर इज हाईली इंपॉर्टेंट ठीक है बहुत बढ़िया आपको याद है एक प्रोसेस किया था एज है ना एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस जिसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ने काटे थे ना सेगमेंट्स उनको सेपरेट करना था अपने सेगमेंट को आइसोलेट करना था तो कैसे करेंगे बाय अलाउइंग देम टू मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड जब डीएनए के सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे एग्रोज जेल के अंदर तो बच्चे हम साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जितना छोटा होगा उतनी आगे जाएगा बड़े बड़े मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे है ना सो so नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर वन कट्स द डी एन ए बिटवीन जी एंड ए बता दिया उन्होंने डी एन ए को कहाँ कट करते हैं किसके बीच में कट करते हैं वेन द सीक्वेंस इन द डी एन एज ईको आर वन का सीक्वेंस पूरे पूछ रहे हैं जी ए टी ए टी सी जी ए ए टी टी सी जी ए टी टी सी सी जी ए सी टी टी दे हैव टोल्ड की इको आर वन ने कट तो कहां करना है जी और ए के बीच में करना है बट इसके आगे क्या आता है सिंपल लैंग्वेज में पोर्ट्रे करूं तो दे आर आस्किंग द रिकोगेशन सीक्वेंस ऑफ इको आर वन रिकोग्नेशन सीक्वेंस क्या होगा इको आर वन का बताइए रिकोगनेशन सीक्वेंस क्या होगा इको आर वन का एब्सिल्यूटली किसने मुझे ठीक दिया है बहुत सारे बच्चे ठीक दे रहे हैं अब मेरे लिए फर्स्ट जिसने दिया है उसको पता करना बहुत मुश्किल हो गया है सो आई विल टेक नेम्स ऑफ दोज हु आर गिविंग मी द राइट आंसर रैंडमली वी हैव मुस्ताक वी हैव संपत वी हैव शिवानशु विद द राइट आंसर द रिकोगशन सिक्वेंस ऑफ इको आरवान इज जी ए टी टी सी यहां पर जी और ए के बीच में कट करेंगे वैसे तो जी और ए सबके पास है है ना तो हे और द करेक्ट आंसर वुड बिकम वुड बिकम बचे ऑप्शन नंबर बी जी ए ए टी टी सी जिसने भी दिया है प्लस फोर नेक्स्ट क्वेश्चन एन एनजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए इज प्रोटीएज स एंडोन्यूक्लियर एग्जोन्यूक्लियसिस ऐसा एंजाइम बताना है बच्चे जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दे रहा है कट करके रिमूव कर दे रहा है फ्रॉम द एंड डी एन ए सेगमेंट ये मान लीजिए अगर आपका डी एन ए का सेगमेंट है दोनों स्ट्रांड्स है ऐसा एंजाइम बच्चे जो कहा कट करेगा कहा कट करेगा एंड्स पर कट करेगा बताइए एंड से ही कुछ याद कर लीजिए कुछ याद कर लीजिए स सो वी हैव वी हैव द करेक्ट आंसर गिवन बाय अक्षता एंट्रेंस वाले अन्वेषा एप्सिल्यूटली अन्वेषा नहीं किसने दिया है मुझे आंसर ंग टू बी दोइंग टू बी बच्चो एक्सो न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब कट करना है कहां से कट करना है फ्रॉम द एंड देखो एंडो न्यूक्लियस कहां पे कट करेंगे एंडो न्यूक्लियस कहाँ पे कट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स में सेंटर में डी एन ए में न्यूक्लिय एसिड के सेंटर में ऑलमोस्ट और एक्सो न्यूक्लियस बच्चे उसकी एजेस में से बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज में से एंडस में से सो करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर डी डी इज द राइट आंसर ठीक है यस yes, बिल्कुल ठीक सोनम एंड खुशी काजल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वेक्टर पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू आर फोर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है किस पे है हमारे वेक्टर पे हैं पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू कौन से हैं टेट्रासाइक्लिन कानामाइसिन एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन क्लोरामफेनिकॉल और क्लोरामफेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो कि PBR322 पे एनसीईआरटी ने ना बहुत डिटेल में उसके बारे में बताया है प्रॉपर ऐसे हमने वेक्टर भी बनाया था देन बच्चे इसमें लेफ्ट और राइट साइड हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी रखे थे अब कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं? वो आपसे पूछा गया है कौन से हैं कौन से यस yes, सुनील कुमार एंड रुद्र करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रा एक नजर मार लीजिए एक नजर मार लीजिए बच्चों अपने पीबीआर 322 पे हमारा फेवरेट प्लाजमेट पी बी आर प्लाजमेट बी आर थ्री ट्वेंटी टू बॉलीवुड एंड रोड्रिग थ्री ट्वेंटी टू ठीक है कौन कौन से रेजिस्टेंट जीन्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना सब बच्चे ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं एम्पसिल रेजिस्टेंट जीन पे किस की किस की साइट है पी वी यू वन और पी एच टी वन आपसे पूछ सकते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे किसकी साइट है बैम एच वन ठीक है नीचे किसकी है पी वी यू टू तो एनी थिंग कुड बी आस्ड फ्रॉम दिस डायग्राम विच मेक्स इट हाईली हाईली इम Important, important. Right, बच्चों चलिए आगे चलते हैं जीन एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल्स आर नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर वेक्टर प्लाज्मिट और स्ट्रक्चरल जीन ऐसा जीन बच्चे जिसके एक्सप्रेशन से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है कौन सा जीन है वो कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर वेक्टर प्लाज्मिड और स्ट्रक्चरल जीन कम ऑन गाइस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है है या फिर नहीं हुई है? और सिलेक्शन का सिलेक्शन में हमने किया था कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वाया दिस वायाद जी बिल्कुल ठीक ट्रिकी ट्रिक

इन सर्शनल इन एक्टिवेशन एंड ड्यू टू देर इन एक्टिवेशन बच्चे जो सेल है सेल विल बिकम सेंसिटिव सेल विल बिकम सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स ठीक है मान लीजिए मान लीजिए हमने इंसर्ट किया है वाली पे तो सेल किसके लिए, हो जाएगा? के लिए हो जाएगा, पे नहीं ग्रो कर पाएंगे और मीडियम तो में ये सेल नहीं ग्रो कर पाएगा सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग देम फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन In genetic engineering, the antibiotics are used for. Now, this is the question which was asked in NEET 2020. Yes, 2020 I should say phase 2 Genetic engineering में antibiotics का क्या रोल होता है? एक बारी पहले भी आ चुका है तीन-चार साल पहले और इस साल फिर आया है। आप देखिए previous year question repeat होते हैं। सेज फ्रॉम वेयर रेप्लीकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट क्या बात है बच्चे अपने टोटल मार्क्स भी बता रहे हैं प्लस थर्टी फाइव हो गए हैं टोटल मार्क्स मुझे बता देना कितने नंबर का पेपर है आए एम नॉट टेकिंग काउंटा हांजी एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होगा अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं दिख रहा है मुझे गलत कर रहे हैं एक ट्रिक देती हूँ एक टिप देती हूँ आपको यहाँ पर कि आपको ध्यान देना एंटीबायोटिक का क्या रोल है आपसे ये नहीं पूछा गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का क्या रोल है आपसे पूछा गया बच्चे एंटीबायोटिक का क्या रोल है रेजिस्टेंट जीन का मकसद नहीं पूछा गया है अब बताइए यस सिमरन करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए

मार्क के अंदर जो आपका सेरिब्रम है सेरिब्रम के अंदर जो एसोसिएशन एरिया है उस एरिया में इसको एज अ मेमोरी एज एक्सपीरियंस बनाकर सेव कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा किसी भी फॉर्म में रिपीट हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ प्रोटीन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स व्हाट इज़ सो स्पेशल शोन इन इट क्या स्पेशल है जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए ए जी क्या स्पेशल है पैरेंड्रामिक सीक्वेंस ऑफ बेस प्योर रेप्लीकेशन कंप्लीटेड डिलीशन म्यूटेशन और स्टार्ट कोडोन एट फाइव प्राइम एंड वट इज सो स्पेशल अबाउट दिस देख के बता दो दोनों स्ट्रैंड्स को पढ़िए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम वट इज समथिंग विच इज स्पेशल अबाउट दिस साथ ही बच्चों एनर्जी मुझे सेशन पे दिखनी चाहिए कैसे दिखती है लाइक से दिखती है तो मुझे चैट सेक्शन में भी मुझे ऐसा थम्स अप दिखा होना चाहिए कि मैम को पता चले कि बच्चे जाग रहे हैं आंसर दे रहे हैं और इस सेशन को भी बच्चे फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी अगर आपने नहीं किया तो हाँ जी किसने ठीक आंसर दिया एब्सल्यूटली We have Mr. Patel, Harshita Singh, Shravani with the right answer. ठीक है सो ये कैसे सेगमेंट्स हैं हम मैंने यहां से पढ़ना शुरू किया तो क्या आया जी ए ए टी टी सी यहां से पढ़ना शुरू किया तो क्या आया जी ए ए टी टी सी तो ये वर्ड तो बिल्कुल इसकी तरह बन गया है ना इसकी तरह बन गया नितिन की तरह यहां से पढ़ा तो भी नितिन यहां से पढ़ा तो भी नितिन बिल्कुल मॉम की तरह बन गया यहां से पढ़ा तो भी एम ओ एम यहां से पढ़ा तो भी एम ओ एम सच काइंड ऑफ सीक्वेंस विच रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ डायरेक्शन दोज आर कॉल्ड एज क्या बोला जाता है दोज आर कॉल्ड एज पैलेंड्रामिक सीक्वेंसेस ऑफ

किस टेक्निक की वजह से आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है लिविंग सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में हां जी आइसोटोप लेबलिंग हाइब्रिडाइजेशन आर आरडीएन और डिफ्यूजन डिफ्यूजन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा अनिका आपका क्या चाहती है कौन सा चैप्टर रख लें जो आप बच्चे बोलोगे वो रख लेंगे आप बोलोगे एनसीईआरटी करा दो रिवाइज पूरी ट्वेल्थ की वो करा देंगे आप बोलोगे मैम ये चैप्टर दोबारा डिटेल में करा दो वो करा देंगे ठीक है ओके यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर डीएनए टेक बिल्कुल ठीक दे रहे हैं बच्चे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम इतनी सारी टेक्निक्स जीन क्लोनिंग की जीन थेरेपी की पॉसिबल कर पाए हैं क्योंकि इसी आर डीएनए टेक में एंजाइम्स हैं जो कट करते हैं जोड़ते हैं सारे कैंची ग्लू जितना स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है ना बनाने के लिए वो सारा स्टेशनरी किसके पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक के पास चलिए रिमूवल ऑफ विच चेन विल रिजल्ट इन मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुल टू इंसुलिन अब आ गए हम एप्लीकेशन पे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस डॉन एप्लीकेशन वाले में से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों रिमूवल ऑफ विच चेन विलीड टू द मैच्योरेशन ऑफ प्रो टू इंसुलिन हमने किसको किस में कन्वर्ट करना है प्रो इंसुलिन को किस में करना है इंसुलिन में क्या डिफरेंस है दोनों में क्या डिफरेंस है प्रो के पास प्रो के पास बच्चे क्या है ए चेन भी है बी चेन भी है और क्या है सी चेन भी है तो प्रो इस वजह से प्रो का नाम ही प्रो इसीलिए प्रो कम्स फ्रॉम द वर्ड इन एक्टिव इट इज इन एक्टिव अब इसमें से क्या हटाया जाए कि ये हो जाए बच्चों एक्टिव क्या हटा दू डी बी ए डी तो है ही नहीं डी तो है ही नहीं है ना तो क्या हटाया जाए बच्चों दिया आपने करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक मुश्ताक अली दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज यू हैव टू रिमूव चेन सी सी चेन को रिमूव करेंगे जब ए और बी अकेली रह जाएंगी ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स तो वो क्या कहलाएगा एक्टिव फॉर्म ऑफ द इंसुलिन व्हिच मेक्स ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट विच एनजाइम वॉज टारगेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन इन नाइनटीन नाइनटी टू और फोर ईयर ओल्ड गोल्ड कौन से एनजाइम को टारगेट किया गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी मोनोमिन ऑक्सीडेज, और फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कल कल ही पढ़ाया था। कल या परसों मेरे को याद है मैंने आपको कराया था पहली जीन थेरेपी जो अशांति पे जो कि एक चार साल की बच्ची थी उस टाइम पर करी गई उसको क्या दिक्कत थी स्केड हाँ जी क्या प्रॉब्लम था स्केड है ना स्वियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी तो बता दो मैम को क्या बनेगा आंसर कम ऑन गाइस यस नाइनटींथ क्वेश्चन का क्या आंसर है प्रियंक पटेल मानसी ठाकुर अंकुर दुबे आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी ए डी ए की डेफिशिएंसी होती है किसकी एडिनोसिन डी जिससे इम्यून सिस्टम क्या हो गया था कॉम्प्रोमाइज एंड फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी इसी में करी गई थी चलिए नेक्स्ट टेक्निक्स दैट सर्व एज अ पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस इंक्लूड्स सीरम एनालिसिस एलाइज़ा, पीसीआर और बोथ ए एंड बी कल कराया था कल एक टेक्निक कराई थी टॉपिक कराया था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का कौन सा टॉपिक कराया था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है ना अब इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कौन सी टेक्निक यूज होती है पीसीआर एलाइज़ा, सीरम एनालिसिस और दोनों कल कौन सी पढ़ी थी कौन कौन सी पढ़ी थी जो मेरे सेशन में रेगुलर है ना ये मेरा गारंटी है जो ध्यान से सुनते हैं रेगुलर है, है चैटिंग वैटिंग कम करते हैं पूरा ध्यान से सुनते हैं उनका एक भी क्वेश्चन यहाँ गलत हो ही नहीं सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है यस ओके अनिका विल सी थैंक यू फॉर द सजेशन वी हैव जयेश जयेश ने ठीक दिया है पर आधा दिया है वासु वर्मा ने पूरा आंसर दिया है डायग्नोसिस में हम पीसीआर को भी यूज कर सकते हैं है ना डायग्नोसिस में हम अर्ली डायग्नोसिस में अलाइजा को भी यूज कर सकते हैं सो विल मेक द द ऑप्शन डी एज करेक्ट आंसर पीसीआर बच्चे कर देगा अभी जब तक जिन फॉरन uh, एंटीजन ने सिम्टम्स भी नहीं शो करे हैं उससे पहले ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एंड सेम गोज विफाई नहीं करता बट एंटीजन की प्रेजेंस जरूर डिटेक्ट कर सकता है आपकी बॉडी में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोडक्ट हैज बिन यूज टू ट्रीट एम फाइसेमा एम फाइसिमा का ट्रीटमेंट बताना है एल्फा लैक्टेलब्यूमिन टीपीए टिश्यू प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर एल्फा वन एंटाइट्रिप्सिन और सी पेप्टाइड कौन सा इनमें से यूज किया जाएगा टू ट्रीट एम फाइसेमा एमफाइसेमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत लोग जो स्मोक करते हैं ना उनको हो जाता है क्या यूज करेंगे जो कि हमने बायोटेक से बना भी लिया था बायोटेक से बना लिया था यस बिल्कुल ठीक अंकिता अंकिता एंड शैली विद द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन चलिए ये तो सबको पता था कल ही कराया एक चीज और बताइए अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन कौन बना रहा था नेम द एनिमल हु वाज मेकिंग दिस अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन कौन सा एनिमल बना रहा था याद है किसी को किसी को भी याद है उस एनिमल का नाम बड़ा अच्छा नाम था कल हमने दो दोस्त बनाए थे कौन से दोस्त बनाए थे एक बनाया था रोजी और एक क्या बनाया था ट्रेसी तो इनमें से कौन था कौन था बच्चे जो क्या बनाता है एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन रोजी या फिर ट्रेसी कौन सा दोस्त कौन सा मित्र है जो एम्फाइस से माँ के ट्रीटमेंट में मदद करता है हमारी कौन सा मित्र है रोजी या फिर ट्रेसी दो ऑप्शन उप्षिन्स दिए हैं ऑप्शन से बाहर जा रहे हैं ऑप्शन से बाहर जा रहे हैं ओके राइट आपसे किसने बनाया था ट्रेसी ने ट्रिप्सिन से ट्रेसी ऐसे याद कर लो ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट इनमें से ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है फ्लेवर सेवर मिलाइडो कॉग्निटा सियानो रेबडिटिस एलिगंस और अराइजा सेटाइवा ट्रांसजेनिक प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट होता है बच्चे जिसका जिनोम हमने क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया है अपने बेनिफिट के लिए कौन सा है इसमें से ट्रांसजेनिक प्लांट कुछ तो प्लांट है ही नहीं कुछ तो प्लांट है ही नहीं दो ही प्लांट है इसमें ओनली टू प्लांट्स आर देर ठीक है राइट 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 कौन सा है करेक्ट आंसर ट्रांसजेनिक प्लांट बच्चों और आइजा से टाइवा कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट यस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फ्लेवर सेवर व्हिच इज द नेम गिवन टू ट्रांसजेनिक टमेटो टमाटर है ना टमाटर इस तरीके से याद है टमाटर और ये टमाटर में क्या किया था हमने हमने बच्चे इसमें कर दी थी जीन नॉकआउट पॉलीगेलेक्ट यूरोनोस से क्या होता है इसकी अर्ली राइपनिंग होती है अगर मैं इस जीन को ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा ये अर्ली राइपनिंग नहीं होगी और इसकी शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ क्या कर दी थी हमने बढ़ा दी थी इंक्रीज ताकि आप लंबे समय तक टमाटर को अपने फ्रिज में अपने घर में स्टोर कर पाए सो फ्लेवर सेवर मिलोइडी आईनी तो क्या है नेमेटोड है और आइजा सेटाइवा इज नॉट ट्रांसजेनिक एट ऑल चलिए नेक्स्ट इन आर एन इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस ड्यू टू अब ये मैम का ना फेवरेट क्वेश्चन है क्यों क्योंकि ये एग्जामिनर नीट के एग्जामिनर्स का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है तीन बारी पूछा जा चुका है पास्ट ईयरस में दोबारा डेफिनेटली पूछा जा सकता है द जीन्स दे आर साइलेंस ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड डी एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए कमन गाइस राइट आंसर चाहिए मुझे जी ओके करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्विज होगी अक्षिका क्विज भी होगी लास्ट में एकानी क्विज तो हमारा रिचुअल है हम करेंगे ही करेंगे है ना अभी के लिए आंसर दीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करें भाग्या विद द राइट आंसर दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस प्लांट में किया था पिछला तो टमाटर था ये क्या है बच्चों टोबैको है ना टोबैको प्लांट की रूट्स को हमने बचाया था किससे बचा कर रखना है बच्चे कौन खतरा था यहाँ पर यहाँ पर एक खतरा था नेमेटोड मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा तो हमने क्या किया टोबैको को बना दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे के अंदर बच्चे हमने जीन कर जो कि क्या है करेक्ट आंसर अब कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है रिस्क के साथ रिस्क के साथ जाने के बाद बच्चे अलग हो गया एंटीसेंस अलग हो गया ठीक है सेंस अलग एंटीसेंस अलग और ये जाकर किससे बाइंड कर लेंगे अलग होने के बाद एक जो बच गया वो किससे बाइंड करेगा आपके नेमेटोड के एमआरएनए से और ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है ना बहुत चालू है क्यों क्योंकि इसने बाइंड इसी लेकर आया ताकि वो इसके टुकड़े-टुकड़े कर पाए ब्रेक डाउन हो जाए एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड का अगर वो टूट गया तो बच्चे एक्सप्रेस आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा सो व्हिच मेक्स द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सिसम एनसी मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट एनी ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न इज रेफर टू एस बायो वॉर बायो वेपन बायो पायरेसी और बायो एथिक्स अगर बिना पूछे बिना पूछे किसी से मल्टी नेशनल कंपनिंग किसी के बायो रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, है ना क्या बोला जाता है यस श्री कृष्णा आई एम लाइफ आई एम लाइफ आपको तो दिख रहा होगा छोटा सा बटन लाइव का तो डेफिनेटली मैं आपका कमेंट पढ़ पा रही हूँ आई एम लाइव करेक्ट आंसर इज बायो पायरेसी है ना जो कुछ लोग मूवीज के साथ भी करते हैं कि जिस दिन मूवी रिलीज हुई फ्राइडे को पहुंच गई एक अच्छी हाई डेफिनेशन कैमरा लेकर पूरी मूवी रिकॉर्ड कर ली और फिर उसे इंटरनेट पर रिलीज कर दी विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल वी शुड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंपनी सेम वे बच्चे वी शुड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क डन बाय समन जिसने वो बाय जिसका वो बायो रिसोर्स है जहाँ से उसका ओरिजन हुआ है तो बिना पूछे किसी से भी एक्सप्लोइ नहीं करना चाहिए दैट विल कम अंडर बायो

Why golden rice is golden and what is true about them? क्या है उनके अंदर और कहां से लिया गया है सो गोल्डन राइस यस अर्न इज द फास्टेस्ट आंसर दैट दे आर ए राइस है ना इसके अंदर गोल्डन राइस के अंदर हमने एक जीन डाला है किसका बीटा कैरोटीन का किसका बीटा कैरोटीन का really एंड दिस जीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ वाइटमिन ए वाइटमिन इज रियली गुड फॉर योर आईस और ये जीन कहाँ से लिया गया नार्सिस दैट इज डेफ

टॉक्सिन बच्चे एक्टिव कैसे हुआ था बॉडी की वजह से मॉइस्ट मॉइस ऑफ द दी एच ऑफ द और दी एच ऑफ द स्टमक ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवेशन प्रो का मतलब ही क्या होता है इनएक्टिव प्रो से बच्चे एक्टिव के बीटी के केस में बीटी टॉक्सिन के, के केस में हमारा जो एंडोटॉक्सिन है एंडोटॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो सकता है है ना? लेकिन किस टाइम पर होगा? राइट एनवायरमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर राइट कौन किसने दिया है ऑप्शन राइट वी हैव करेक्ट आंसर दिया है मुझे मानसी ठाकुर ने सम्राट ने डॉक्टर ने इज ऑफ़ द सी बनेगा बच्चों राइट आंसर कुछ बच्चे बी दे रहे हैं तो मैं बता दूं गट की बात हो रही है लेकिन कौन सी पी एच की बात हो रही है मॉइस सर्फेस नहीं एल्कलिनिटी की वजह से द प्रो विल एक्टिवेट इन टू द एक्टिव बीटी टॉक्सिन ठीक है नेक्स्ट टोबैको प्लांट इज मेड रेजिस्टेंट टू ए नेमेटोड बाई

इतना बड़ा हिंट दे दिया यस yes. कुछ डबल स्टैंडर्ड था वो डबल स्टैंडर्ड क्या था डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड मतलब सेंस आरएनए भी है और एंटी सेंस आरएनए भी है करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए सबने ये दिए ना बाकी तो कंफ्यूज भी नहीं कर पाए हार्मोन भी नॉट रिलेटेड टॉक्सिक प्रोटीन नॉट रिलेटेड एंड एंटीफीडेंट ऑब्सोल्यूटली नॉट रिलेटेड नेक्स्ट वन मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्जिटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ येस्टरडे आई कंप्लीटेडिकबाउट ट्रांसजेनिक डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीआर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसके हैं पिक के हैं नो बच्चे पिक के तो नहीं है पिग के तो नहीं हैं करेक्ट आंसर क्या जाएगा क्या जाएगा हां जी लाइक्स बच्चे कम हो रहे हैं सेशन पे इतना जोश दिख रहा है मुझे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कर रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं लेकिन सेशन के ऊपर एनर्जी कम है तो चाहिए फटाफट से लाइक करिए है ना तो करेक्ट आंसर इज माइस कितना परसेंट 95 परसेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर माइस ठीक है नेक्स्ट इन अ ह्यूमन

अगेन थर्टी वन एंड ट्वेंटी टू थर्टी वन हाँ जी क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट येस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी वन एंड थर्टी राइट चलिए आगे चलते हैं अ टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस दैट एम्स एट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन थ्रू एंटी एंटीबॉडी इंटरेक्शन ऐसा कौन सा टेक्निक है मोलिकुलर डायग्नोसिस में जिसका जो प्रिंसिपल है क्या प्रिंसिपल है वो ये है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पीसीआर सी सदरन ब्लॉट एलाइजा और नॉर्दर्न ब्लॉट पीसीआर, सी सदर्न ब्लॉट एलाइजा और नॉर्दर्न ब्लॉट जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को एज अ प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है जिसमें माइक्रोटाइटर प्लेट्स ली थी हमने उस पर एंटीजन की बच्चे कोटिंग की थी फिर सैम्पल डाला था सैम्पल में क्या था एंटीबॉडीज बताइए इस टेक्निक का नाम कल ही डिस्कस किया है कल ही डिस्कस किया है दैट इज दैट इज़ यस दैट इज बचो एलाइजा राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सी है आपका राइट आंसर एनजाइम लिंग इम्यूनोसॉरमेंट ऐसे विच इज द बच्चो डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑफ एड्स एंड इसी का इसी का बच्चे कंफर्मेटरी टेस्ट भी याद होना चाहिए एड्स का दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग चलिए आगे चलते हैं इफ़ द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स आर सेलेक्टेड बाई ब्लू वाइट स्क्रीनिंग इट मीनस दैट द रिपोर्टर इन्जाइम प्रोटीन इन दिस केस इज जी एफ पी एल्फा गलेक्टोसीडेज रेट्रासाइक्लोन रेजिस्टेंस और बीटा गलेक्टोसीडीज वो बोल रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो सिलेक्शन है वो किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के थ्रू कर रहे हैं है ना उसके लिए एक स्पेशल प्लाजमिट था क्या था प्लाजमिट यू सी एच उस उस केस में, उस केस में में बच्चे क्या था रिपोर्टर एंजाइम क्या है यहां पे एक जीन था है ना एक जीन था वो जीन कुछ बनाता है वही चीज पूछी है कि वो जीन वो कौन सा एंजाइम बनाता है फर्स्ट चैप्टर में से है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में से यस yes, मोहित प्रताप हैज गिवन शगुफ्ता हैज गिवन द राइट आंसर गेमिंग गेमिंग अड्डा है राइट आंसर क्या गया नाम रखे हुए बच्चों के आ, आपके नाम क्या आगे जी, ये नहीं कि गेमिंग अड्डा बन रहा है तो वैसा ही अपने नाम रखा करो है ना या तो रियल नेम या फिर उसके आगे डॉक्टर ठीक है सो so, जीन था बच्चों लैग जेड जीन ठीक है जो कि क्या बनाता था बीटा गैलेक्टोसीडेस जो कि अपने सबस्ट्रेट एक्स गॉल के साथ कलर दे सकता है ब्लू कलर लेकिन अगर हो जाएगी इन एक्टिवेशन तो बीटा बीटागलेक्ट्रोसिडीज नहीं बनेगा कलर कौन सा आ जाएगा वहां पर व्हाइट कलर तो रिकॉम्बिनेंट्स दे, दे वुड गिव व्हाइट कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन सा कलर देंगे ब्लू कलर नेक्स्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन ट्यूबिफेशन इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर फॉर मोनोकॉट प्लांट डायकॉट प्लांट यीस्ट और मशरूम्स एग्रोबैक्टीरियम जेनेटिक इंजीनियर है किस टाइप के प्लांट्स के लिए यह लाइन लिखी हुई है ये जो प्लांट है ना इसका टाइप लिखा हुआ है एनसीआरटी में मोनोकॉर्ड डाइकॉड यीस्ट और मशरूम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर फॉर यस बच्चों चलिए बताइए ओके द करेक्ट आंसर इज कुछ बच्चे ठीक दे रहे हैं महावीर कोश एंड वन नाइन एम के राइट आंसर दैट इज डाई प्लांट दिस इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट द गोल्डन राइस वॉज क्रिएटेड बाई ट्रांसफॉर्मिंग राइस विद थ्री बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम मैरीगोल्ड डेफोडिल्स मस्टर्ड और बीन्स हाँ जी बीटा कैरोटीन कहाँ से लिया था मैं बता चुकी हूँ बता चुकी हूँ जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का ठीक आंसर दिया है वो यहां पर भी ठीक आंसर देंगे कब ऑन गाइस गोल्डन राइस वॉज क्रिएटेड बाई ट्रांसफॉर्मिंग वो जीन लिए गए थे मैरी गोल्ड से डाफोडल से मास्टर्ड से या फिर बीन से करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक माई डियर स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते जा रहे हैं सब है ना सीप मैम की क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं इतने अच्छे से हमने बायोटेक पढ़ी है तो डेफोडल इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट वन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चे दो मिनट बचे हैं सब्सक्रिप्शन के ओल्ड प्राइसेस के लिए मैं आपको जस्ट रिमाइंड कराना चाहती थी अभी भी किसी को लेने आना तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना बाकी बच्चे यहाँ पर आंसर दीजिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉमनी बॉर्लॉग एंड्रू फायर वर्गीज कुरियन और क्रेग मेलो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखो एक तो था वर्ल्ड वाइड फादर है ना वर्ल्ड वाइड फादर और एक था हमारा इंडियन फादर इंडिया में भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आया था वर्ल्ड वाइड कौन सा है वर्ल्ड वाइड कौन सा है ओके यस बेनाम बेनाम बादशाह यस बेनाम बादशाह

टैक पॉलिमिनेस चाहिए होता है एंड टेम्परेचर जो चाहिए 72 चाहिए टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्नीशियम आयन डी एन टी पीज और टेम्परेचर ऑफ 50 टू 60 व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप अगर आप फर्स्ट स्टेप का नाम बता देंगे ना तो आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी नाम बता दो फर्स्ट स्टेप का क्या है नाम वट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ पी क्या होता है फर्स्ट स्टेप डी है ना क्या होता है डी और ये डी बच्चे उसमें क्या चाहिए टेम्परेचर ही तो चाहिए कितना 94 डिग्री सेंटीग्रेड बी नहीं है टैक पॉलीमरेज तो बच्चे में तीसरे स्टेप में चाहिए जिस बच्चे ने बी दिया है रुखसार टैक पॉलीमरेज वी रिक्वायर इन एक्सटेंशन नॉट इन डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन में सिंपल हमें हाई टेम्परेचर चाहिए 94 ताकि जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं टारगेट डीएनए के वो अलग हो जाए नेक्स्ट बी प्लांट ब्रासिका नेपस हिरोडेन बच्चे किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉमन गाइस गिव मी द राइट आंसर हिरोडेन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर मोलिकुलर फार्मिंग की एग्जांपल है बच्चों लाइव प्लांट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लाइव ऑर्गेनिजम्स तो उसे हम बोलते हैं फार्मिंग यस दिव्यांशी करेक्ट आंसर इज ब्रासिका इसके सीड्स में से मिलता है मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद अ बायोलॉजिकल सैंपल इज कॉल्ड एज ऑटो ऑटोरेडियोग्राफी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एलाइजा और सिरोलॉजी जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था कल बताया था है ना इस तरीके से बनाया भी था है ना यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने बच्चों प्रोब यूज किया था जिसके साथ एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा हुआ था पी है ना इसको क्या बोलते थे हम प्रोब ये जाकर बाइंड करता था बच्चे अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थे जहां तो म्यूटेशन है वहां बाइंडिंग नहीं होगी वहां कलर नहीं आएगा जहां पर नॉर्मल सेगमेंट है वहां पर बाइंडिंग हो जाएगी सो दैट टेक्निक वॉज कॉल्ड एज मोहम्मद अहमद हैज गिवन द राइट आंसर दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी कौन सी टेक्निक है बच्चों ऑटो रेडियोग्राफी फटाफट से मेक इट फाइव हंड्रेड आप कर सकते हैं फाइव हंड्रेड प्लस भी जा सकते हैं कम ऑन गाइज हिट द लाइक्स बटन राइट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पोर्सिन इंसुलिन लास्ट क्वेश्चन है बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पोर्सिन इंसुलिन इन डायबिटिक पेशेंट इज कॉल्ड एस that may lead to hypercalcemia it may cause allergic reactions it is expensive or it can lead to mutations in the adult देखो पहले जब diabetes होती थी ना तो treatment में हम एनिमल से insulin लेकर देते थे Porcine व्हाट is related to pig. मतलब पिग से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है इंसुलिन और डायबिटिक पेशेंट्स को दिया अब हमारा पर्पस तो सॉल्व हो रहा था बट देयर वाज सम इशू व्हिच वाज कमिंग इन द पेशेंट्स क्या दिखा रहे थे क्या इशू आ रहा था क्या उनको हाइपर हो रहा था कि इंसुलिन एक्टिव नहीं कर रहा या फिर एलर्जी हो रही थी या फिर महंगा पड़ रहा था या फिर बच्चे म्यूटेशन हो जा रही थी क्या हो जा रहा था येस एप्सिल्यूटली ट्रिक इट ट्रिक दैट इज वर फेसिंग एलर्जिक रिएक्शंस चलिए मार्क्स बताइए सब बच्चे जिस जिसने प्लस फोर करा था ऑनेस्टली भूल गए थे या कर रहे थे जिसने काउंट किया है मुझे मार्क्स बताइए टोटल भी बताइए कि मेरे आए हैं दिस आउट ऑफ दिस बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ आपने मेरे लिए क्विज नहीं किया आपने क्विज किया है अपने लिए अपनी नॉलेज के लिए कम ऑन गाइस टेल मी द मार्क्स आई विल लुक एट योर परफॉर्मेंस नाउ परफॉर्मेंस हाँ जी बताइए कम ऑन राइट 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 आई एम फ्रॉम अर्थ बच्चे एस रहमान कहां से हूं मैं अर्थ से हूं मार्स से नहीं आई हूं ठीक है ओके okay. तीन गलत हैं, तीन गलत है मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया गया कितने मार्क्स का टेस्ट था दिव्यांशी ने बताया 152 का था 152 का टेस्ट था ओके okay. 152 का अगर था अगर आप ठीक बोल रहे हैं तो जिसके 130 प्लस हैं दोज आर गुड मार्क्स गुड मार्क्स 130 प्लस हैं तो ठीक है चलिए अब टाइम आता है आपकी एक छोटी सी अन अकेडमी क्विज़ का क्या करना है सब बच्चों ने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद नीचे जाना है टेस्ट में बिल्कुल नीचे लिखा होगा बॉटम पे टेस्ट टेस्ट पे जाने के बाद ज्वाइन क्विज़ करना मैं आपके साथ क्विज़ आई शेयर कर रही हूँ आई एम गोइंग टू शेयर द क्विज़ आई विद ऑल ऑफ यू ठीक है ये क्विज़ सिर्फ ऐप पे चलेगा लैपटॉप पे अनअकेडमी डॉट कॉम पर नहीं मिलेगा क्विज में जाइए अन अकेडमी की लर्निंग ऐप में जाइए लर्निंग ऐप में नीचे टेस्ट लिखा होगा टेस्ट में आप ज्वाइन क्विज पे जाना मैं होस्ट करने लगी हूँ जो पोर्शन आप पिछले आ, क्लास में कर चुके हो वही होगा ट्वेंटी क्वेश्चन एंड ट्वेंटी सेकेंड्स टुडे इज सैटरडे एंड इट्स आवर सैटरडे क्विज क्विज बच्चे वन ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चंस ट्वेंटी सेकंड्स फॉर इच क्वेश्चन एंड आवर कोड इज अन अकेडमी की लर्निंग ऐप में जाना है नीट यू कैटेगरी है और फिर क्लिक करना है टेस्ट पर नीचे मिल जाएगा टेस्ट ठीक है कोड डाल देना ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके दैट इज फाइव सिक्सटी सिक्स कम ऑन गाइज फास्टली ज्वाइन फाइव ये हमारा आज का कोड है सब बच्चे इसको ज्वाइन कर ले अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर अच्छा मैंने आपको बताया था आज रात को मेरी एक स्पेशल क्लास है नौ बजे जरूर आइएगा अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर तो दोनों के लिए आपको इन एनी केस डाउनलोड तो कर ही लेनी चाहिए ठीक है वहां पर मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी मेरे नाम से सर्च करना नेम इज सीट पहुँचा सो दैट सो दैट बच्चे आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें फॉलो करेंगे तभी मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा 566023 स्पेशल क्लास मैंने बता दिया क्या टाइमिंग्स हैं हमारे 9 पी एम आज के पूरा बायोमोलिकुल्स कंप्लीट कराऊंगी सिक्स डेज में एवरी डे द टाइम इज़ गोइंग टू बी 9 पी एम एंड यूट्यूब का हमारा टाइमिंग फिक्स है दैट इज़ 5 पी एम ठीक है बच्चों सो so, जिसमें हमने मंडे को स्टार्ट करना है रिज्यूम करना है विथ स्पाइनल कॉड टेलीग्राम चैनल इस लिंक पर जाके ज्वाइन कर लीजिए पी बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी अगर मैं बात करूँ आन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की तो वहां पर होती है लाइव क्लासेस आप अपने टीचर से इजीली अपने डाउट्स पूछ सकते हो इंटरक्ट कर सकते हो पोल्स होंगे बच्चों टेस्ट सीरीज होती है जिसका एनालिसिस आपको प्रॉपर वे में किया जाएगा अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच में मिलता है जो इसको एनालाइज करते हैं देन बच्चे देर आर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ठीक है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको कहां पर मिलते हैं इसी आना अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं ठीक है बच्चों जिसमें आप मेरा दोनों बैचेस देख पाएंगे के 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 भी, 12th के भी, के भी, ठीक है? और आपको ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइस आज से हो जाना था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर कल आप नए प्राइस यहाँ पर देख पाएंगे ठीक है अन अकेडमी हैपन ओके यस yes, इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा ठीक है रैंक्स मिलते हैं वर्थ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों आपको जाना है लर्निंग ऐप पे प्लस पे जाएंगे नीट यूज कैटेगरी क्लिक करिए सब्सक्रिप्शन पे और कौन सा कोर्स ले लें एक ही बारे में बच्चों बेस्ट कोर्स लीजिए दैट इज वन ईयर एंड टू ईयर ठीक है इसका पर मंथ कॉस्ट भी सबसे कम है और कम हो सकता है अगर आप ये कोड यूज करेंगे सीप लाइफ टेन ऑफ मिलेगा ठीक है साथ ही में आप क्विज में हिस्सा लीजिए क्विज़ में हिस्सा लीजिए और क्विज में पार्टिसिपेट करने से क्या मिलते हैं एक्सपी पॉइंट्स क्या मिलते हैं बहुत सारे एक्सपी पॉइंट्स जो कि आप रिज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन ठीक है एंड आइकॉनिक में भी बच्चों यू कैन यूज द सेम कोड और ये कोड यूज करने से सब कुछ दिखेगा सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स दिखाई देंगे राइट सो आइकॉनिक में सबसे बड़ा बेनिफिट है पर्सनल कोच का होता है ना बच्चों कोई बार समझ ही नहीं आ रहा होता स्ट्रैटेजी कहां गलत बैठ रही है कैसे फिजिक्स को इंप्रूव करें कैसे कैसे बच्चे के मिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट सीखें तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है एक पर्सनल कोच की दैट यू विल गेट इन द आईकॉनिक राइट सो दीज आर आवर अदर चैनल टू ज्वाइन देम एंड कोड मैं एक बार आपके सामने दोबारा लिख दूं आवर कोड वॉज आ जाइए जो बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अन अकेडमी की लर्निंग ऐप में ठीक है फाइव सिक्सटी सिक्स जीरो ट्वेंटी थ्री फाइव सिक्स जीरो ट्वेंटी थ्री आई एम गन स्टार्ट द क्वेस्ट लेट भी हो जाओ तो भी ज्वाइन कर लेना जितने क्वेश्चन का आंसर दोगे उतने एक्सपी पॉइंट्स तो कम से कम ले ही जाओगे ठीक है सो आई विल सी यू टुमोरो ट्वेल्व नून कल बारह बजे भी एक क्विज होने वाली है जरूर अटेंड करिएगा एंड टुडे एट नाइन पी एम ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप ओके एवरी वन सो तब तक के लिए एवरी वन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे